सब्सक्राइब करें टेक्नो बैंकिंग को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों, सोशल मीडिया पे बैंकों में जो दीपावली की छुट्टियां हो रही हैं उसके जो फेक न्यूज है वो एक बार फिर से सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगी है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आप लोगों को इस बारे में एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दिया जाए कि आखिर बैंकों में एक्चुअली में कितने दिन दीपावली की छुट्टियाँ हो रही है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों, अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करिए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और जानकारी वाली वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो, आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, जैसे दशहरा में सितंबर के महीने में सोशल मीडिया पे बैंकों में जो छुट्टियां होने वाली थी उसमें जो फेक न्यूज़ था वो बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, इसके अलावा अन्य भी जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उस पर ट्रेंड करने लगी थी कि 11 दिन छुट्टियाँ होने वाली, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, दीपावली में कितने दिन छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं आज की वीडियो में मैं आप लोग पूरे विस्तार के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं जो दीपावली में जितनी एक्चुअल छुट्टियाँ होने वाली है, तो मैं आप लोग को बता दूं करीब 2 दिन जो छुट्टी होंगी 7 और 8 तारीख को वो दीपावली की छुट्टी होने वाली है। उसके बाद जो 9 तारीख को छुट्टी होने वाली है वो भैया दूज की छुट्टी होगी। लेकिन जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है छुट्टियों की फेक न्यूज, वो उसमें बताया जा रहा है कि 5 तारीख से लेकर 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक छुट्टी होने वाली है दीपावली। तो ये बिल्कुल फेक न्यूज है। और जो छुट्टियां होने वाली बैंक में वो 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक होने वाली है, जिसमें 7 और 8 की जो दीपावली की छुट्टी है, और इसके बाद जो 9 तारीख की छुट्टी है वो भैया दूज की छुट्टी है, और इसके बाद जो 10 और 11 की छुट्टी है, 10 को सेकंड सैटरडे पड़ने वाला है जिसमें ऑलरेडी बैंक की छुट्टियां होती है। सेकंड, आप लोग को पता ही होगा, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को बैंक हॉलीडे होता ही है। इसके बाद फिर संडे पड़ेगा 11 तारीख को, तो वहां पे तो छुट्टी होगी ही। तो दोस्तों, इसको सोशल मीडिया पे बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जिससे बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। जितने भी बैंक के कस्टमर हैं उनमें यह बताया जा रहा है कि आप लोग बैंक का जितना भी काम है पहले निपटा लें, वरना हो सकती है आपको परेशानी। तो दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि ये जो छुट्टियां हैं सिर्फ 7 और 8 और 9 को होने वाली हैं, जिसमें जो 7 और 8 को छुट्टी होगी वो दीपावली की होगी, और जो 10 11 को तो उसमें तो पहले से छुट्टियाँ होती ही हैं। दोस्तों, ये जो 7 से 11 जो छुट्टियां होने वाली हैं वो यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली समेत कई सारे राज्यों में होने वाली हैं। लेकिन जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं और साउथ के राज्य हैं, स्टेट हैं, वहाँ पे तो सिर्फ 7 और 8 को ही छुट्टी होगी, 9 को उसमें भी बैंक खुले रहेंगे और 10 और 11 को तो वहाँ पर तो बंद ही रहेगा, क्योंकि 10 को तो सेकेंड सैटरडे पूरे इंडिया में बैंक बंद रहते हैं, सेकेंड सैटरडे को और फोर्थ सैटरडे को, इसके बाद संडे को तो सारे बैंक बंद रहते हैं। तो दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 से 11 तक अधिकतर राज्यों में छुट्टियां होने वाली हैं बैंकों में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, अपने सभी जानने वाले, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुँच सके। और दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और जानकारी वाली वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, सब्सक्राइब के अलावा आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।